कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज ना दिन है फ्राइडे और अभी मॉर्निंग का बज रहा है 9 बज गया है पूरा। और यहाँ पे गोलू सोया हुआ है तो मैं इसको बोल रही हूँ नहाने के लिए, तो ये नहा नहीं रहा है। इसका शरीर ना थोड़ा सा गर्म है तो यहाँ पर जो है गोलू सोया है। तो यहाँ पे ना अभी मैं सुबह का चाय पी रही हूँ, तो ये भी चाय पी के ना कहीं गए थे काम के लिए, तो काम देखने के लिए। और यहाँ पे मैं अभी अपना चाय पी लेती हूँ। और ये यहाँ पे ना कुछ सब्जियाँ रखी हुई है, टमाटर ये सब है, तो इसको मैं अभी धो के ना इसको अभी मैं काटूँगी, क्योंकि कल का ना चावल जो है बच गया है, तो कल बच्चों ने नहीं खाया चावल, तो फिर बच्चों के लिए मैं रोटी बना दी थी तो रोटी खा ली है, और चावल जो है बचा हुआ है। तो अभी मैं फिर ना चावल का जो है आधा चावल का तो मैं अभी चावल भून लूँगी, मतलब फ्राई कर दूँगी, और उसके बाद जो है आधा चावल का ना मैं पकोड़े बनाऊँगी। तो रात का बचा हुआ चावल का ना आज जो है मैं 2 रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप सब ना इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले अभी मैं चावल को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे कुछ जो है मैं यहाँ पे सब्जी काट लेती हूँ, तो सब्जी में प्याज, टमाटर और धनिया का पत्ता और हरी मिर्च यही सब काट लेती हूँ। तो आधे चावल का जो है मैं अभी फ्राई करने वाली हूँ चावल को। और यहाँ पे जो है मनीषा भी नहा के आ गई थी, तो वो भी अपना बाल जो है सुखा रही थी। और आप लोग बोलते हो ना कि मनीषा जो है कुछ बोलती नहीं है, तो उसको बोलना सिखाइए। तो ऐसा नहीं है, बोलती नहीं है, तो वो बस उसको ना थोड़ा शर्माती है, कैमरे के सामने नहीं बोलती है, नहीं तो ठीक जो है खेलती है, हंसती है, खेलती है अच्छी तरह से, तो वो बस कैमरा के सामने नहीं बोलती है, शर्माती है, और इसी वजह से वो कुछ नहीं बोलती है ज़्यादातर। और यहाँ पे ये देखिए, इसमें जो है मैं थोड़ा सा तेल ली थी और थोड़ा सा जो है जीरा और कटा हुआ प्याज डाल दी थी, और इसमें ना टमाटर भी डाल दी हूँ, इसमें नमक भी डाल दी हूँ, और इसमें जो है थोड़ा सा मसाले में मैंने कुछ नहीं डाला है, बस हल्दी पाउडर डाली हूँ इसमें, और धनिया पत्ता डाल देती हूँ, इसको मिला दूँगी। और ये चावल ना अभी जो है फ्राई हो चुका है। इस तरीके का ना चावल जो है मैं रात का बचा हुआ चावल ना कभी बचता है तो मैं इसी तरीके से ना बना देती हूँ, चावल को भून देती हूँ। तो आप चावल फ्राई भी बोल सकते हो, चावल भुना हुआ चावल भी बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहते हो आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। तो अभी मैंने बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा से खिला दिया है, और गोलू नहीं खाया है अभी, तो उसको अभी कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। और ये थोड़ा सा बर्तन थे तो वो भी मैंने धो दिया है, और स्लेब को भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है अभी ये कपड़े सूख गए थे, तो आज सुबह ना मैं बहुत सारा कपड़ा धोई थी, बहुत ही ज़्यादा, तो ये सब कपड़े आप सबको दिख रहा है ना, तो ये सारे कपड़े जो है हमारे हैं, क्योंकि ठंडा भी स्टार्ट हो गया है और दिल्ली में ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है, तो ख़ास करके सुबह के टाइम। तो जितने कम्बल वगैरह थे ना तो वो मैंने निकाल दिया है, और अभी मैं इसको धो के और सुखा दी हूँ। और जब मैं रखी थी ना कम्बल वगैरह धो के, तो उसको धो के ही मैं रखी थी, और इसको अभी मैं इसको निकाल के और थोड़ा सा जो है खंगाल के और मैं इसको सुखा दी हूँ। तो अभी ये सब सूख गया है ये सारा कमल, तो ये पतला पतला कमल है, और भी कमल है बहुत सारा मोटे मोटे, तो वो अभी मैंने नहीं निकाला है, और उसको बस धूप लगाऊंगी, क्योंकि मोटे मोटे कमल ना धोए नहीं जाते हैं इसी वजह से। तो बस अभी मैं सारे कपड़े जो उठा देती हूँ, और इतने सारे कपड़े जो है आज मैं धोई थी, तो इन्होंने भी धोया था, तो हम लोग जो है मिल के धोए थे। और यहाँ पर ना मनीषा जो है आप सबसे कुछ बात कर रही थी, तो फिर ना बाद में जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना तो वो देखी, तो फिर बोली कि नहीं ये काट दो, तो फिर मैं इसका जो है काटना पड़ा थोड़ा सा, और क्या कुछ नहीं, बस हेलो हाय यही सब बोल रही थी आप लोगों के साथ, तो वही मैं अभी कर रही थी। और यहाँ पे ये 4 आलू मैं रखी थी ना इसको छील के, तो अभी मैं इसको ना कद्दूकस कर लेती हूँ, क्योंकि चावल का जो बचा हुआ चावल का है रात का चावल, तो उसी के मैं पकोड़े बनाऊंगी, तो उसमें ना ये आलू जो है कद्दूकस वाला आलू उसमें मैं डालूंगी।
प्लेट चावल ना ये बचा हुआ था इतना सारा, तो कोई खा भी नहीं रहा था। और ज़्यादा मैं अगर भून देती ना चावल को तो वो भी बच्चे फिर नहीं खाते, तो थोड़ा थोड़ा वही वाला खाएं। और अभी मैं इसको फिर मैं सोची क्या बनाऊँ, तो फिर मैं ना इसके पकौड़े बना रही हूँ। तो बचे हुए चावल अगर आपके बच जाते हैं ना तो आप इस तरीके का पकौड़े जो है बना सकते हो, नहीं तो ठंडे के दिन हैं और आजकल जो है महंगाई इतना ज़्यादा है तो कुछ मतलब वेस्ट नहीं जा मतलब नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने ना अभी जो है ये पकौड़े बना दिया है। तो इसमें जो है मैं काट के रखी थी ना ये धनिया, प्याज, मिर्ची, हरी मिर्च, तो वो मैं डाल देती हूँ। और इसमें बस हल्दी डालती हूँ और लाल मिर्च का पाउडर ना थोड़ा सा डालती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च मैंने इसमें डाला है। और इधर बाद में ये बर्तन भी हो गए थे कुछ, तो वो मैं साथ ही साथ जो है धोती रहती हूँ, नहीं तो इकट्ठे अगर मैं बर्तन धोती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और बस इसमें मैं नमक डाल दी थी और 5-6 चम्मच ना इसमें मैं बेसन डाल देती हूँ, और बाद में ज़रूरत पड़ेगा ना तो फिर मैं बाद में और बेसन ले लेती हूँ थोड़ा सा। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो अभी मैं तवा भी बिठा देती हूँ गैस पर, और इसमें मैं रिफाइन ऑयल डाल दूँगी, तो रिफाइन ऑयल जो है डाल दूँगी, उसके बाद गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं तलूँगी। तो थोड़ा सा ये गीला हो गया था, तो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करोगे ना तो जैसे चावल पीसते हो ना तो उसमें थोड़ा कम पानी डालिए, अगर थोड़ा कम पानी डालोगे तो फिर सही रहेगा। तो ये थोड़ा गीला गीला हो गया था, तो इसमें मैं बेसन डाली थी, लगभग 7-8 चम्मच जो है मैं बेसन डाली थी, और अभी मैं चम्मच से डाल रही थी तो चम्मच से थोड़ा नहीं हो रहा था, इसी वजह से मैं हाथ से अभी सारे पकौड़े जो है डाल देती हूँ एक एक करके, जितना आएगा तवा में उतना मैं डाल देती हूँ। तो बस अभी ना एक साइड जो है ये पक गया था, तो अभी मैं इसको पलट देती हूँ। और ये पकौड़े ना बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप सब ना एक बार जो है ट्राई कर सकते हो। तो कैसा भी चावल हो, अगर आप जैसे लंच में बनाते हो ना चावल, और अगर शाम को भी इस रेसिपी को ट्राई करोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस ये मेरे सारे पकौड़े जो है बन गए हैं, और सारे नहीं बने थे, ये एक बार जो है मैं बना चुकी थी, और इसमें ना अभी एक बार और होता है, तो वो सारे पकौड़े मैं डाल के वो भी बना लेती हूँ। और ये देखिए ये पकौड़े चावल के, रात के बचे हुए चावल के पकौड़े जो है बन चुके हैं, और बच्चों को भी बहुत अच्छा सा पसंद आया था, तो बच्चे भी खा लिए थे, डुग्गू भी खा लिया था, और चिल्ली सॉस है, टमाटो सॉस है, तो उसके साथ जो है हम लोग खाने वाले हैं। तो आप लोग ना हरे धनिया का चटनी भी बना सकते हो और इस तरीके से जो है ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, गोलू को ना अभी जो है बुखार आ गया है, तो ये सोया था, अभी मैं इसको उठाई हूँ, इसको मैं पकौड़े खिला रही हूँ। तो कुछ भी नहीं खाया सुबह से, चावल फ्राई की थी तो वो भी नहीं खाया, और अभी पकौड़े दे रही हूँ तो ये भी नहीं खा रहा है। तो अभी इसको देखती हूँ शाम तक ना, इसका जो है दवाई लेना पड़ेगा। और चावल के पकोड़े ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ना टमाटो सॉस के साथ खा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। हाय करो डुगू, डुगू फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोगों ने पकोड़े वगैरह खा लिया है, और आज ना लंच में मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, तो लंच में जो है कुछ बच्चे नहीं बोल रहे खाने के लिए, और यहाँ पे गोलू है और डुग्गू भी है, डुग्गू हाय करो। और गोलू ना सुबह से जो है कुछ भी नहीं खाया है, तो पकोड़े भी नहीं खाया, बस एक दो खाया और नहीं खाया है। तो अभी ना गोलू का जो है डेयरी मिल्क खाने का मन कर रहा था, तो वो अभी मंगा दिए हैं, तो वही खा रहा है। गोलू खाना नहीं खाना है रोटी, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है खाने के लिए। तो ये सब खा रहे हैं अभी, तो चलिए इस वीडियो को, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ना मैं ही पैन करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ना कल जो है खाना बनाते बनाते ना तो तेल का ना छींटा पड़ गया, तो ये यहाँ पे जल गया है, और
तो इस वीडियो को मैं ये पेंट करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।